नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि बैंक की नई पेशकश, सस्ते रेट पर प्लॉट ही प्लॉट, मनकर बाजार नियर वेदांता स्कूल अशरफपुर आजमगढ़, पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न, सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरवंशपुर आजमगढ़ एडमिशन ओपन, विद्यापीठ सेंटर फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट, साई इंटरनेशनल स्कूल निकट आरटी ऑफिस बदली बाजार आजमगढ़ एडमिशन ओपन, डालिम सनबेबी स्कूल तिवारीपुर मऊ रोड आजमगढ़ एडमिशन ओपन, जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर आजमगढ़ एडमिशन ओपन, वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़ और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। रमजान माह खत्म होने में अब कुछ ही घंटे शेष रह गए। अलविदा जुमा की नमाज अदा करने के बाद रोजेदार ईद मनाने की तैयारियों में जुट गए। यदि शुक्रवार को चांद दिखा तो शनिवार को ही ईद मनाई जाएगी। ईद की खरीदारी करने के लिए मुस्लिम बहुल इलाकों में भीड़ जुटी हुई है। ईद में सबकी पसंद सेवई की मांग सबसे ज्यादा है। उसके साथ ही कपड़ों की दुकानों, कॉस्मेटिक की फुटवेयर की दुकानों पर भी भीड़ जुट रही है। जिला हज ट्रेनर सलीम अहमद ने बताया कि 30 रोजों को रखने के बाद अल्लाह के बंदे के लिए ईद का दिन जो आता है उस दिन उनको अपने रब की तरफ से इनाम मिलता है। वो इनाम माल और दौलत की शक्ल में नहीं होता, वो इनाम उनके गुनाहों की माफी की शक्ल में होता है। बताया कि ईद में अपने रिश्तेदारों पड़ोसियों की ईद भी अच्छे से हो जाए इसका भी हुक्म दिया गया। हर आदमी के ऊपर 2.25 सेर गेहूं और अगर मालदार है तो 3.5 किलो किशमिश या खजूर या उसके वजन के बराबर की कीमत ईद की नमाज से पहले गरीब रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक पहुंचा देना है। उन्होंने बताया कि अगर आज चांद दिखा तो शनिवार को ईद मनाई जाएगी। दलाल घाट में 6:45 पर नमाज पढ़ी जाएगी जबकि ईदगाह में सुबह 7 नमाज होगी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र एहसान है कि 30 रोजों को रखने के बाद ये जो रोजों की मेहनत होती है और अल्लाह के बंदे अपने रब का हुक्म मानने के लिए तैयार रहते हैं और उसके बाद खाना पीना छोड़ते हैं, भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं, इन सारी 30 रोजों की मेहनत मशक्कत के बाद ईद का दिन जो आता है उस दिन जो है उनको उनके रब की तरफ से इनाम मिलता है। वो इनाम माल और दौलत की शक्ल में नहीं मिलता, वो इनाम उनके गुनाहों की माफी की शक्ल मिलता है, जो असल इनाम है। रमजान का महीना आज अगर चांद हो गया तो खत्म है और कल ईद हो सकती है। रमजान के महीने में तो आपको क्या करना होता, रोजा रखना है और कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद भी कुछ चीजें बताई गई हैं कि ये गमखारी का महीना है। अपने गरीब रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, जानने वालों को, इनकी भी ईद हो जाए और इनको भी हम खामशी के साथ इनकी मदद कर लें, इसका भी हुक्म है सदका फितर की शक्ल में कि हर आदमी के ऊपर 2.25 सेर गेहूं कम से कम और अगर मालदार है तो 3.5 किलो किशमिश या खजूर या उसके वजन के बराबर कीमत ईद की नमाज से पहले पहले निकाल करके अपने गरीब रिश्तेदारों को, पड़ोसियों तक पहुंचा देना है खामशी के साथ। इसको कहते हैं सदका फितर। ये ईद के दिन जो है नमाज से पहले हर बालिग नाबालिग की तरफ से निकाला जाता है। ये वो लोग निकालते हैं जो मालदार हैं, जो ठीक ठाक है निकाल सकते हैं, और उन लोगों को देना है जो गरीब है। ईद की नमाज ईदगाह में 7, दलाल घाट में 6:45 पे और जामतुल शायद में 6:50 पे होगी। और हमारे आजमगढ़ में हमारा शासन प्रशासन हमेशा हम लोगों को कॉपरेट करता है, सफाई सुथरे इंतजाम करता है और हम आशा व्यक्त करते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था भी और सफाई सुसाई का ध्यान दिया जाए। रहमतों और बरकतों का महीना रमजान खत्म होने वाला है। शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रमजान माह के अंतिम शुक्रवार को मस्जिदों में अलविदा जुमा की नमाज अदा की। रमजान उल मुबारक माह का आखिरी जुमा इस बार 21 अप्रैल को पड़ा। अलविदा जुमा ईद से ठीक पहले आखिरी शुक्रवार के दिन मनाया जाता है। मुस्लिम समुदाय के लिए बड़ा पर्व है। अलविदा जुमा को लेकर ये मान्यता है कि इस दिन अलविदा की नमाज के समय जो दुआ मांगी जाती है वो पूरी होती है। गौरतलब है कि माह रमजान अब रुखसत हो चला है। एक तरफ जहां पवित्र माह रमजान की विदाई का लोगों को गम है तो वहीं सबसे बड़ा त्योहार ईद की आमद की खुशियां भी उनके अंदर व्याप्त हैं। 22 अप्रैल को ईद का महापर्व मनाया जाएगा। इसके पूर्व शुक्रवार को मुस्लिम बंधुओं ने अलविदा जुमा की नमाज मस्जिदों में पूरी अकीदत के साथ अदा की गई। जामा मस्जिद में मौलाना ने नमाज पढ़ाई। इस अवसर पर मस्जिदों में भारी भीड़ उमड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानुर रहीम मालिकि यौमिद्दीन।
शुक्रवार को अलविदा जुमा की नमाज उठे हजारों हाथों ने मुल्क व जनपद की तरक्की की कामना की। भारी सुरक्षा के बीच अलविदा जुमा की नमाज अदा की गई। रमजान के आखिरी जुमे की नमाज को लेकर हर चेहरे पर रौनक दिखाई दी और इसी के साथ साथ लोगों की ईद की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। आज जुमे की नमाज हुई। रमजान का आखिरी जुमा था जिसे अलविदाई जुमा कहते हैं, जुमातुल विदा कहते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि आज मुसलमान इस आखिरी जुमा होने की वजह से बहुत ज़्यादा एहतमाम करता है और ईद की नमाज की तैयारी गोया कि अब इसके बाद जो दिन भी आने वाला है वो ईद का दिन होगा, जो खुशी का दिन होगा मुसलमानों के लिए। मुसलमानों का एक बहुत बड़ा त्यौहार ईद का दिन, वो खुशी का दिन है। इस आज के दिन हमने मुल्क के अंदर अमन व अमान, भाईचारगी की नमाज के बाद दुआ की और आपने इतना बड़ा मजमा देखा मुसलमानों का इत्तेहाद और इत्तेफाक, सिर्फ इसलिए कि आपस में मिलजुल कर हम सब अपनी ज़िंदगी गुजारें और किसी एक दूसरे को कोई तकलीफ़ ना पहुंचाएं, ना अपनी ज़ात से ना अपनी ज़ुबान से। यही हमारा पैगाम है इस मजमे के ज़रिए और इस जुमा के ज़रिए कि पूरे मुल्क के अंदर भाईचारगी और इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ हम सब मिलजुल कर चलते रहें, कोई किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचाए। बस ये रमज़ान का एक महीने का रोज़ा ये रखा जाता है सुबह से लेकर शाम तक। ये एक अल्लाह का हुक्म है जिसे हर मुसलमान पूरा करता है, उस रोज़े को रखता है जिस पर अल्लाह की तरफ से बहुत अजर व सवाब की बशारत है, बहुत बशारत है। इसलिए फरमाया कि रोज़ा रखने वाला अल्लाह के नज़दीक बख्शा बख्शाया है। जिसने रोज़ा रखा और जिसने तरावी की नमाज़ पढ़ी, जिसने और नमाज़ें पढ़ी, उसकी अगली पिछली सब गुनाह माफ़ हो जाती है। और गुनाह से मुराद जो छोटी मोटी लग्जिश होती है वो अल्लाह माफ़ कर देते हैं। ये है इसका मकसद। रोज़ा ये अल्लाह के लिए बंदा रखता है और अल्लाह को राज़ी करने के लिए और अपने रब को खुश करने के लिए रोज़ा रखता है। इसके अलावा कोई मकसद। अलविदा जुमा था, माशाल्लाह से हम लोग का रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है। बस बाकी बचा है एक रोज़ और इंशाल्लाह और वो भी त्यौहार ईद का अच्छे खासे गुजर जाएगा और रमज़ान भी अच्छा गुजर रहा है और माशाल्लाह से मौसम भी थोड़ा गर्मी शुरू हो गई है दो तीन रोज़ से और बाकी तो सब ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने खैर आफियत के लिए दुआ मांगा, पूरी दुनिया के लिए मांगा, सब लोगों के लिए सेहत आफियत की दुआ मांगी। अल्लाह ताला जो बीमार हैं उनको शफा अता फरमा दे, जो गरीब हैं उनकी मदद फरमाए लोग इंशाल्लाह। और बाकी यही जो है भाईचारगी के साथ सब अल्हम्दुलिल्लाह अलविदा जुमा खैर आफियत के साथ पूरा हो गया है। नमाज अलविदा जुमा को लेकर मुस्लिम मोहल्लों में आज सुबह से ही चहल पहल देखी गई। खासकर बच्चों में विशेष उत्साह देखा गया। छोटे छोटे बच्चे आज नए नए कपड़े पहनकर नमाज अलविदा जुमा अदा किए। अलविदा जुमा की नमाज अदा करने के लिए नमाजी 11 बजे ही मस्जिदों में दाखिल होने लगे। अलविदा जुमा के अवसर पर ज़कात व फितरा मांगने वालों की भीड़ सभी मस्जिदों के पास देखी गई। इस दौरान नगर पालिका के विभिन्न पदों के प्रत्याशी भी यहाँ मौजूद रहे। आदेश पद के प्रत्याशी गोविंद दुबे ने रोजेदारों को ईद की अग्रिम शुभकामना देते हुए महापर्यंत लोगों की कठोर इबादत का गुणगान किया। रमजान का माह का पावन महीना चल रहा था, आज अलविदा जुमा के अवसर पर यहाँ जुमा मस्जिद पे अपने मुस्लिम भाइयों से, गार्जियनों से आज मिलकर यहाँ पे उनका आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त किया। ईश्वर करे जल्द ही जिस प्रकार से इस तपिस और धूप में इन लोगों का ये एक महीने का रमज़ान चला है उसी तरह से ईश्वर अच्छे से ईद की खुशियाँ लाए और ये अच्छे से अपने ईद के त्यौहार को मनाएं, यही शुभकामना है मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार की देर रात तिहरे हत्याकांड के आरोपी राजन सिंह की गांव के समीप बनवारी वीर बाबा मंदिर के पास पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। इस घटना में आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस द्वारा उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताते चले कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के धंधारी गाँव में करीब 20 वर्षीय युवक राजन सिंह ने रविवार की भोर में करीब 3:30 बजे कुल्हाड़ी से काट कर अपने पिता 48 वर्षीय भानु प्रताप सिंह पुत्र हरि नारायण सिंह को मौत के घाट उतार दिया। इस बाबत उसने 45 वर्षीय माता सुनीता देवी की भी कुल्हाड़ी से मार कर हत्या कर दी। फिर उसने जान बचाकर भाग रही बहन 12 वर्षीय राशि सिंह की भी हत्या कर दी और फरार हो गया।
इस मामले में एसपी की ओर से दो टीमों का गठन किया गया था। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे गुरुवार की रात गांव स्थित मंदिर के पास उसे घेर लिया, जिस पर आरोपी राजन सिंह ने पुलिस के ऊपर भी हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में राजन सिंह के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि 16 अप्रैल की रात में कप्तानगंज थाना क्षेत्र की धनधारी गांव में 3 लोगों की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में आरोपी राजन सिंह की पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में गुरुवार रात करीब 12:15 बजे दाहिनी पैर में गोली लगी है, इलाज चल रहा है। इसके पास से हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, 2 मोबाइल और 2700 रुपए बरामद किए गए, साथ ही पेट्रोल भी मिला है। पेट्रोल से जलाकर ये सभी सबूतों को मिटाना चाहता था। एसपी ने बताया कि इसकी योजना जीवित बची एकमात्र बहन की भी हत्या करने की थी, जिसके लिए आया था। इसने सभी सामान गन्ने के खेत में छुपा कर रखे थे। एसपी ने बताया कि पड़ोसी के खेत से 2 बोरी गेहूं चोरी करने पर माता पिता ने इसे फटकार लगाई थी, जिससे छुप धोकर इसने माँ बाप और बहन की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। 16 अप्रैल 2023 को थाना कप्तानगंज अंतर्गत धंधारी गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या के संबंध में थाना कप्तानगंज पर FIR नंबर 93/23 धारा 302 IPC पंजीकृत किया गया था। घटनास्थल निरीक्षण और अनुसंधान से यह स्थापित हुआ था कि इस घटना में अभियुक्त राजन सिंह के द्वारा अपने पिता, माता व 14 वर्षीय बहन की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कारित की गई थी। इसकी गिरफ्तारी के लिए मेरे द्वारा 3 टीमें गठित की गई थी। आज 20/21 अप्रैल रात्रि में लगभग 12:15 बजे पुलिस मुठभेड़ के दौरान इस अभियुक्त राजन सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। उपचार के लिए इसको अस्पताल भेजा गया, जहां वर्तमान में इसकी स्थिति सामान्य बनी हुई है। इसके पास से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, स्वयं व अपने पिता के 2 मोबाइल, 2700 रुपया एवं घटना के समय पहने हुए लोअर टी शर्ट और चप्पल बरामद हुए हैं। साथ साथ इसके पास से एक प्लास्टिक बोतल में पेट्रोल बरामद हुआ है, जिसका इस्तेमाल ये अपने जो कपड़े थे उनको जलाने के लिए इस्तेमाल करने वाला था, ये भी इसके पास से बरामद किया गया है। इससे 2 टीमों के द्वारा विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अभी तक की पूछताछ से तथ्य प्रकाश में आए हैं कि 15 अप्रैल को इसी के गांव के एक व्यक्ति के यहाँ 2 बोरी गेहूं चोरी इसने किया था, जिसके संबंध में जब इसके पिताजी को शिकायत की गई, इसके पिताजी के द्वारा, माँ के द्वारा इसको डांटा गया। इससे शुभ होकर इसने रात में लगभग 2:30 से 3 के बीच में उठा और 2 कुल्हाड़ी जो इसके घर पे ऑलरेडी रखी हुई थी उनको उठाया। एक कुल्हाड़ी से अपने पिताजी के सर पे कई बार वार किया, तब तक इसकी माताजी जग गई और इनके बीच में संघर्ष हुआ। इनकी माताजी ने इससे कुल्हाड़ी छीनने का प्रयास किया, उसके बाद इसने अपनी माताजी को भी दूसरी कुल्हाड़ी से कई बार उनकी गर्दन पे वार करके हत्या कर दी। और जो इसकी बहन थी, छोटी बहन, 14 वर्षीय छोटी बहन थी, जब वो खेत की तरफ भागने लगी तो उसको भी इसने कुल्हाड़ी से मार कर गले पे कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी। इसके बाद इसने कपड़े बदलकर, जो खून से सने हुए कपड़े थे उनको एक बैग में रखा और जो कुल्हाड़ी इसने इस्तेमाल की थी वो भी बैग में रखी, अपने पिताजी के मोबाइल, माताजी के मोबाइल और अपने पिताजी की जेब से 6500 रुपया निकालकर अपने पास रख लिया। इसके पास एक कट्टा और कारतूस भी था जो इसने बैग में रखा। इसकी इस सारे सामान को इसने जाके गन्ने के खेत में छिपा दिया। इसका प्लान ये था, इसके बाद जो पूछताछ में इसने बताया है कि ये इसके बाद अपनी जो एक बहन बची हुई थी जो उस दिन शहर में मौजूद थी उसकी भी हत्या करने वाला था और ये जनपद आजमगढ़ वापस आया था। फरार होने के बाद जनपद आजमगढ़ वापस आया था अपनी बहन की हत्या करने के लिए। इसी दौरान ये गया था, उस बैग में जो इसका सामान रखा हुआ था, कट्टा रखा हुआ था, कुल्हाड़ी रखा हुआ था और उसके साथ साथ जो कपड़े रखे हुए थे उनको लेने के लिए, पेट्रोल की जो शीशी इसके पास से बरामद हुई है उसके संबंध में इसने बताया है कि इसका इस्तेमाल इसको करना था। जितना भी साक्ष्य था, जो कपड़े बरामद हुए हैं, चप्पल बरामद हुई है, उन सबको जलाने के लिए ये पेट्रोल का इस्तेमाल करने वाला था। पुलिस मुठभेड़ के संबंध में जो घटना हुई है उसके संबंध में FIR नंबर 98/23 धारा 307 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कप्तानगंज पर इसके विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। जो पूछताछ में इसने बताया है कि अभी एक जो बहन इसकी जीवित है उसकी हत्या करने की भी इसकी प्लानिंग थी और इस प्लानिंग के तहत ही ये फरार होने के बाद कई जनपदों में जाते हुए वापस आजमगढ़ आया था। इस संबंध में भी विस्तृत बातचीत करके, पूछताछ करके बयान देने के बाद एक पृथक से मुकदमा इसके विरुद्ध पंजीकृत किया जाएगा। ये बहुत जघन्य घटना इसके द्वारा अकेले कारित की गई। विस्तृत पूछताछ 2 टीमों के द्वारा इससे की जा रही है और इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई पुलिस के द्वारा इंश्योर की जाएगी। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल द्वारा अलविदा जुमा व ईद के त्योहार को शांतिपूर्वक मनाए जाने के दृष्टिगत शहर क्षेत्र के कोतवाली, बड़ादेव, पहाड़पुर, तकिया, गुलामी का पूरा, दलाल घाट आदि जगहों पर फ्लैग मार्च किया गया।
इस दौरान संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण कर भौगोलिक स्थिति का जायजा लिया गया और लोगों को सुरक्षा का संदेश भी दिया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में नगर निकाय चुनाव के साथ ईद का पर्व है, इसको लेकर भौगोलिक स्थिति का भी जायजा लिया गया। इसके साथ ही साफ सफाई, अतिक्रमण, बिजली, पेयजल और अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि ज्यादातर समस्याओं का हल निकाल लिया गया है, अन्य समस्याएं जो बाकी रह गई उनको भी आज शाम तक सुलझा लिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक बंदोबस्त किए गए। जनपद में करीब 3,500 पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा एक कंपनी RAF और 3 कंपनी PSC को भी लगाया गया। साथ ही डायल 112 की ड्यूटी भी संवेदनशील अति संवेदनशील इलाकों पर लगातार लगाई गई है। उन्होंने कहा कि LIU और इंटेलिजेंस यूनिट लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है। अलविदा जुमे की नमाज और ईद की नमाज को लेकर फूट मार्च किया गया। इससे पूर्व शांति समिति की बैठक के साथ ही सभी धर्म गुरुओं के साथ बैठक कर बातें की गई। आगामी अलविदा की नमाज और जो ईद की नमाज होगी उसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस का डिप्लॉयमेंट कर लिया गया है। लगभग 3,500 की संख्या में पुलिस बल अलग अलग जगह पर डिप्लॉयड रहेगा। 112 की जो गाड़ियाँ हैं उनको संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में ऑलरेडी उनका ड्यूटी चार्ट तैयार कर लिया गया है। इसके साथ साथ 1 कंपनी RAF और 3 कंपनी PSC है जो अलग अलग जगह पर डिप्लॉयड रहेगी। सादे कपड़ों में ड्यूटियाँ, रूफटॉप ड्यूटियाँ, इंटेलिजेंस के जो LIU के हमारे लोग हैं उनकी ड्यूटियाँ अलग अलग जगह पर लगाई गई हैं और धर्मगुरुओं के साथ पीस कमेटी की बैठक कर ली गई है। सबके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि जो शासन के निर्देश हैं और जो परंपरागत आयोजन है सिर्फ वही किए जाएंगे। ड्रोन से भी हम लोग निगरानी कर रहे हैं और जितने भी सेंसिटिव एरिया हैं, जितने भी ऐसी जगह हैं जहाँ नमाज पढ़ी जाएगी वहाँ पुलिस बल के द्वारा भ्रमण किया गया है। सब जगह ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी और अच्छे तरीके से सकुशल तरीके से त्यौहार को संपन्न कराया जाएगा। आजमगढ़ जिले में जुनेदगंज भवरनाथ मार्ग पर शुक्रवार दोपहर सोनौली से आ रही रोडवेज बस की और ट्रक के आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में चालक और परिचालक समेत बस में सवार 12 यात्री घायल हो गए, इनमें से 4 की हालत गंभीर है। एक मरीज जिला अस्पताल से रेफर है जिसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। चंदौली डिपो की बस सोनौली गई थी, वहां बस वाराणसी के लिए चली थी। शुक्रवार दोपहर लगभग 12:30 बजे बस आजमगढ़ जिला अंतर्गत जुनेदगंज भवरनाथ मार्ग पर पहुंची। अचानक सामने से आ रही ट्रक से बस की टक्कर हो गई। तेज आवाज से लोग सहम गए। बस में बैठे यात्री तेज झटका लगने के कारण अब सीट से उछलकर इधर उधर गिर गए। इस हादसे में बस में सवार 12 से अधिक यात्री घायल हो गए। घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इसके बाद एम्बुलेंस से घायलों को जिला अस्पताल लाया गया जहां एक मरीज को आनन फानन गंभीर हालत देखकर रेफर कर दिया गया जिसे जिला मुख्यालय स्थित प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 मरीज जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए, अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया। दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। घटना क्या, हम इधर जा रहे थे, वो उधर जा रहा था, कट मारा था उसने जबरिया। कितने बजे की घटना है ये? होगी लगभग 11:30 के बीच, 11:30 होगी। नगर निकाय चुनाव की नामांकन के 5वें दिन नगर पालिका परिषद आजमगढ़ अध्यक्ष पद हेतु दिग्गज ने नामांकन किया। समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी सरफराज आलम उर्फ मंसूर, सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव ने निर्दल प्रत्याशी के रूप में और व्यापार संगठन की ओर से पद्माकर लाल वर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया। सपा प्रत्याशी सरफराज आलम उर्फ मंसूर ने अध्यक्ष पद हेतु गहमा गहमी के बीच शुक्रवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता ने साथ दिया तो जिस प्रकार हमारी सरकार ने जनपद में चहुमुखी विकास कराया है उसी तरह वो नगर पालिका परिषद का भी विकास कराएंगे। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सरफराज आलम उर्फ मंसूर नामांकन के लिए पार्टी कार्यालय से सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, जिला उपाध्यक्ष विवेक सिंह, पूर्व मंत्री व विधायक दुर्गा प्रसाद यादव सहित अन्य नेताओं के साथ सदर तहसील परिसर में पहुंचे और अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने कहा कि वो नगर पालिका का विकास कराएंगे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार में आजमगढ़ जनपद का चहुमुखी विकास हुआ है उसी तरह से आजमगढ़ नगर पालिका का चहुमुखी विकास होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों से नगर पालिका परिषद आजमगढ़ का विकास ठप है। उन्होंने पार्टी में गुटबाजी से इनकार किया, कहा कि सभी लोग साथ हैं। एक सेट में किया है। अच्छा, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप? मुद्दे नगर पालिका की जो बिल्कुल अव्यवस्था आप देख ही रहे हैं, पीछे 5-6 सालों से कोई काम नहीं हो रहा है। पूरा शहर बिल्कुल तबाह बर्बाद पड़ा हुआ, कचरे के ढेर में तब्दील हो गया शहर। उसको ठीक करना सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं नहीं समझता हूँ कि आज की फैली हुई अव्यवस्था से कोई भी अवगत ना हो। आजमगढ़ बाकी शहरों के मुकाबले बहुत पीछे है और अगर समाजवादी पार्टी के कारकर्दगी से सारे पूरा शहर वाकिफ है, अगर फिर से एक बार हमको मौका मिलता है
और तो आप लोग देखेंगे कि ये शहर की हालात डेस्परेटली बदले। पिछली बार समाजवादी पार्टी प्रत्याशी पांचवें नंबर पर रहे, सपा का गढ़ आजमगढ़ बोला जाता है लेकिन नगर पालिका में जीत नहीं हासिल, क्या कारण आप मानते हैं जिससे अलग हटके रणनीति तैयार करें? नहीं देखिए, हमको आजमगढ़ में हमें नहीं लगा कि किसी भी एक कम्युनिटी से, ऐसा नहीं है कि किसी भी कम्युनिटी से हमें सपोर्ट ना हो। हमारे हौसले बुलंद, शहर के तमाम वर्ग के लोगों ने बहुत हौसला बढ़ाने का काम किया है, तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई और भावना से इसमें ये इलेक्शन होने जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग अपने शहर की फैली अव्यवस्था और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से प्रोग्रेसिव वर्क करती है उसको जहन में रख के ही आजमगढ़ की जनता काम करने जाएगी, क्योंकि सारे एग्जाम्पल्स जो आजमगढ़ के अंदर हैं लगभग जहां तक मुझे होश है वो प्रोग्रेसिव वर्क जो भी हुए हैं वो समाजवादी गवर्नमेंट में ही हुए हैं। मंत्री जी के कार्यकाल में, चाहे हमारे स्वर्गीय नेता जी के जब सांसद हुए यहाँ थे, तो वो सभी प्रोग्रेसिव वर्क से आजमगढ़ बाकायदा आइडेंटिफाई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है शायद इसी वजह से, और जो हमारा अपना प्रेजेंस रही आजमगढ़ में जिस तरीके से हमको लोग जानते हैं उससे हमें लगता है कि विश्वास दोगुना बढ़ा है। तो मुझे कहीं भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि किसी और राजनीतिक चीजों से प्रभावित हो के कोई सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, एक तरफा सभी वर्ग के सभी लोग, सभी तरह के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि मौका मिलेगा तो टक्कर तो मैं नहीं समझता हूं कि कुछ ऐसी टक्कर है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे इस बात का पूरा एतबार है, आजमगढ़ नगर पालिका की जनता हमको भारी मतों से विजयी बनाने जा रही है, इस बात का हमें संपूर्ण विश्वास है। और जहां तक मुझको उम्मीद हुई है कि भारी मतों से हम लोग विजयी हो रहे हैं, टक्कर तो है ही नहीं किसी से। जब आप कोई टक्कर नहीं हुआ, कुछ पार्टी में गुटबाजी चल रही थी, कुछ जो लोग दावेदार थे उनके अंदर नाराजगी से दूर कर ली गई। देखिए, ये समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और हम सभी लोग कार्यकर्ता हैं। बात होती है कि नियम और कानून की, आखिरी में संगठन और हमारे वरिष्ठगण लोग जो मुनासिब फैसला समझते हैं तो वो फैसला लिया जाता है, और गुटबाजी कुछ ऐसी थी ही नहीं कभी, वरना क्यों ही सुलझती। हम सभी लोग एक पटल पे आके ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कहीं कोई गुटबाजी नहीं, सभी लोगों का समर्थन है, सभी लोगों का सपोर्ट है, और हम एक होके जा रहे हैं आजमगढ़ की नगर पालिका जीतने। और इसलिए आप लोगों से भी हम चाहेंगे कि बेस्ट विशेष आप लोग भी रखिए, क्योंकि नगर पालिका का सवाल है और आजमगढ़ ही, ये समाजवादी पार्टी ही है जो आजमगढ़ को संवारती रही और आगे भी संवारने काम करेगी। सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल की ओर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अध्यक्ष पद के लिए हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव ने नामांकन दाखिल किया। हरिकेश श्रीवास्तव ने अपना नामांकन 63 में दाखिल किया। हरिकेश इसके पूर्व 2017 के चुनाव में नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी रहे और उन्होंने निवर्तमान पालिका अध्यक्ष शीला श्रीवास्तव को कड़ी टक्कर दी थी। हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव इस बात का दावा कर रहे हैं कि भारत रक्षा दल द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को जनता देख रही है और इसी के बल पर जनता उनके पक्ष में मतदान करेगी। हरिकेश जी, आपने नामांकन दाखिल किया, कितने सेट में दाखिल किया? 3 सेट में दाखिल किया हमने। क्या उम्मीद है 2017 से 2023 में, क्या बदला? 17 से 22 में एक तरह से आजमगढ़ नगर पालिका सड़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, जनता का धन का एक तरह से बंदर बांट हो गया, तो अब शायद अच्छे डॉक्टर की जरूरत है और अच्छा डॉक्टर भारत रक्षा दल के पास है। तो पूरी उम्मीद है कि भारत रक्षा दल ये चुनाव जीतेगा। यहाँ ना जातिवाद चलेगा, ना धर्मवाद चलेगा, ना पार्टीवाद चलेगा। क्या कमियां रह गई 17 में जो उसका सुधार किया गया? कमियां तो सुधार हम लोगों में, हम लोगों ने देखा कि आखिर हम लोग पिछली बार फेलोर कहाँ से हुए थे, उसको हम लोगों ने पूरा कर लिया। और जो जनता हम लोगों से चाह रही थी हमने पूरा करके हम लोग इस चुनाव मैदान में है, और ये स्थानीय निकाय का चुनाव है, ये पार्टियों के लिए जनता नहीं चुनती है। यहाँ सरकार नहीं बनाना है, यहाँ आजमगढ़ नगर को बनाना है, जनता ये जान रही है, इसीलिए आजमगढ़ नगर को बनाने के लिए भारत रक्षा दल को चुनेगी। आप लोग सामाजिक संगठन के माध्यम से सेवा करते रहते हैं, मौका मिला तो क्या आपके सपने में है जो हम करना चाहेंगे? पहली बात तो ये, जितने प्रत्याशी हैं, देखिए हम लोग तो इस फील्ड के ट्रेंड हैं, ये अभी लोग नाम लिखा रहे हैं इस फील्ड में, नाम लिखा है नहीं कि नंबर लेने चले आए हैं, तो हम लोग 15-25 सालों से पूरा पढ़ लिख के ट्रेंड हो चुके हैं, एक एक गलियां जानते हैं, एक एक मुद्दे जानते हैं, आजमगढ़ की क्या दिक्कतें हैं, लोगों की दुश्वारियां जानते हैं, बाकी लोगों को पता है,
नहीं पता होगी। जीतने के बाद तो मेरे समझ से एक गारंटी दे रहा हूँ, आजमगढ़ का मतदाता जो कल्पना करता है कि काश नगर पालिका में ऐसा होता वह होगा, वो दिखेगा। और दूसरे शब्दों में मतदाता नेताओं को चुन के पश्चाताप करता है ज़्यादातर प्रतिनिधियों को चुनने के बाद। अब की बार ऐसा होगा कि हम लोगों को चुनने के बाद आराम से एक रोटी ज़्यादा खाएगा कि शाबाश किसी को हमने चुन के वास्तव में प्रतिनिधित्व करने का किसी को मौका दिया है, और जनता उस पर जो है बड़ी मुतमईन होगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए, कई ऐसी चीज़ें जो आप लोग भी जानते हैं, मोटा मोटी बात, नगर में जल की व्यवस्था, प्याऊ वाली व्यवस्था नहीं, हैंडपम्प वाली व्यवस्था, और टॉयलेट वाशरूम की बढ़िया व्यवस्था, स्वच्छता और सफाई की व्यवस्था, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका वेतन भत्ता बोनस तक खा जाते हैं, ये कई कई महीने उनका बोनस भत्ता वेतन तक रोकते हैं, वो सब ऑन टाइम कहीं से भी होगा तुरंत होगा। और अभी जीतते ही सारे कर्मचारियों को वर्दी दूंगा, ऐसा नहीं कि सरकारी पैसे, कार्यकर्ताओं, एक एक कार्यकर्ताओं से एक एक कर्मचारी की जिम्मेदारी लगाऊंगा कि सबकी वर्दी सिलवा दो, मई में सिलवा के दे दूंगे। 10 साल तक अध्यक्ष पर आरोप है दो कार्यकाल में कि फोन नहीं उठा, 5 साल क्या व्यवस्था बनाएंगे जिससे जनता के बीच में? व्यवस्था बनाने के लिए जहाँ तक फोन का मामला है, जनता का एक सूचना तंत्र, एक मैसेज, और चप्पे चप्पे पे हमारे कार्यकर्ता हैं, हर मोहल्ले हर गली में हमारा एक कार्यकर्ता है, उसको हम एक तरह से निरीक्षण परीक्षण के लिए लगाएंगे, देखो तुम्हारे गली में क्या प्रॉब्लम होती है। तो जनता टैक्स देती है, जनता परेशान क्यों? सुरक्षा दल 2017 से 23 में कुछ लोग अलग हो गए, जुदा हो गए आपसे, जानते हैं कुटुंब होता है, परिवार होता है, एक परिवार में 10 लोग हैं, अगर भाई कहीं दाएं बाएं दिल्ली बम्बई कलकत्ता कमा रहा है तो परिवार टूट गया था, ऐसा नहीं होता है। और बाकी चीज़ें विरोधी विरोध के लिए कुछ भी करेंगे। और पहला हमारा मुद्दा है भ्रष्टाचार, बाप मरता है बेटे का नाम चढ़ाने के लिए नगर पालिका में रेट, घूस का रेट फिक्स है, गारंटी दे रहा हूँ, लिख के इकरारनामा कर रहा हूँ, 25 पैसा कोई आजमगढ़ के नगर नगरवासियों से नहीं लेगा, ये मेरा वादा है, मेरी गारंटी है और लिखित इकरारनामा है। थैंक यू। कहेंगे देखो तुम्हारे गली में क्या प्रॉब्लम होती है, तो जनता टैक्स देती है, जनता परेशान क्यों हो? जनता काम छोड़ के दलाल खोजती है, कार्यालयों में जाती है, हर इधर उधर कोई जुगाड़ खोजती है, वो नहीं होगा, टैक्स पेयर जनता है ये। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी व्यवस्था करेंगे, जनता एक बार सूचना दे, मैसेज दे। इस समय हम लोग देख रहे हैं, आप भी घूम रहे होंगे, गलियों में पानी की लीकेज हो रही है ढेर सारा, वो प्लास्टिक का पाइप बढ़िया लगाना चाहिए था, इसे हल्का लगा दिए हैं, सब टूट टूट के बिखर रहा है, बड़ा आत्मा को कष्ट होता है। ये राष्ट्रीय संपत्ति और एक तरह से नेचुरल संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें तुरंत होंगी, साफ सफाई, नाले की व्यवस्था, और आजमगढ़ में जो गलियाँ हैं इंटरलॉकिंग वगैरह करके भ्रष्टाचार की खेती होती है, सब सफाया और समापन। आजमगढ़ नगरपालिका परिषद सीट के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पद्माकर लाल वर्मा ने आज अपना नामांकन किया। पद्माकर लाल वर्मा पिछला नगरपालिका का चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़े, उनका कहना है कि व्यापारी संगठनों का समर्थन उनके साथ है, वह स्वयं स्वर्णकार समाज से आते हैं इसलिए उनके साथ रहेगा। पद्माकर लाल वर्मा अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। चुनाव में देखिए 32,000 हमारे व्यापारी हैं नगर के अंदर, जैसे फुटपाथ से लेके सोना चांदी हीरा मोती वाले लेके, और सबका जो है समर्थन मिल रहा है, इसलिए सबके मर्जी से, अपने व्यापारी की मर्जी से ही हम चुनाव मैदान में उतरे हैं। जो हमारा व्यापारी एक निर्णय लिया मीटिंग करके, और व्यापारी की इच्छा हुई, मंशा हुई कि आप चुनाव लड़िए, मैं चुनाव मैदान में उतर गया। समाजवादी पार्टी से पिछली बार प्रत्याशी थे और चौथे या पांचवें नंबर पे थे, इस बार क्यों वहां से दावेदारी नहीं किया आपने? देखिए बता दें, हमारे व्यापारियों का एक मीटिंग हुआ, हमारे व्यापारी सर्वसहमत से इन्होंने तय किया कि आपको व्यापार मंडल के बैनर से चुनाव लड़ना है, आप व्यापारी हैं और व्यापार मंडल से चुनाव लड़िए। मैं अपने व्यापारियों की बात मानते हुए मैं एक निर्णय ले लिया। क्या मुद्दे हैं जो आपका एक सपना हो कि जिसको हम नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद पूरा करेंगे? देखिए सपना है, सबसे पहले तो जो बंदरों का प्रकोप है उसकी व्यवस्था करेंगे कहीं न कहीं, जिससे आप जान लीजिए कि हमारे फुटपाथ वाले जो व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी जगह जगह अपना रोजी रोटी कमा के किसी तरह व्यवस्था कर रहे हैं, उनको हम व्यवस्थित करेंगे कि उनको परेशानी ना हो, कोई परेशान ना करे हमारे व्यापारियों को। दूसरे जो है नाली है, आप खड़ंजा है, इंटरलॉकिंग है, जल की व्यवस्था है, जगह जगह जो सड़कें गड़बड़ हैं उनको सही कराएंगे। बाकी जो होगा हमारे व्यापारियों को, हमारे नागरिकों की तो बैठ के राय बात, जीतने बाद राय बात लेंगे, या बैठ के जो है सहमति, जो काम और जो नया काम होगा उसको किया जाएगा सरकार के मंशा के अनुरूप। किससे मुकाबला मान रहे हैं जो प्रत्याशी अभी तक संभावित हैं? अभी तक तो देखिए हम इस पर कुछ नहीं कहे कि हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हम हमारे व्यापार मंडल के बल पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा मुकाबला अभी किसी से नहीं है, तो क्या बता रहे हैं। ठीक, धन्यवाद।
जिले के 3 नगर पालिका और 13 नगर पंचायतों में अध्यक्ष और 238 वार्डों के सदस्य पद के लिए 11 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। कांग्रेस व सपा के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद जिले में सियासी हलचल तेज हो गई है, तो नामांकन प्रक्रिया में भी तेजी आ गई है। नामांकन के 5वें दिन शुक्रवार को अध्यक्ष पद के 25 और वार्ड सदस्य पद के 266 सहित कुल 291 नामांकन पत्र बिके, जबकि अध्यक्ष पद के 30 और सदस्य पद के लिए 100 सहित 130 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया है। सुबह से ही पार्टी कार्यालय से लेकर नामांकन स्थल तक गामागामी रही, सुरक्षा को पुलिस मुस्तैद रही। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में अध्यक्ष पद के लिए 8 और वार्ड सदस्य पद पर 14 ने नामांकन दाखिल किया। नगर पंचायत बुरनपुर, माहुल, जहानागंज, बाजार व मार्टिनगंज में 2-2 और नगर पंचायत सरायमी में 3 एवं महाराजगंज, अजमतगढ़, निजामाबाद, फूलपुर, कटघर, लालगंज और मेहनगर में 1-1 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया, जबकि वार्ड सदस्य पद पर आजमगढ़ में 14, मुबारकपुर में 44, बिलरियागंज में 41, अतरौलिया में 1, बुलंदपुर में 19, महाराजगंज में 17, जियनपुर में 5, अजमतगढ़ में 9, निजामाबाद में 7, सरामीर में 10, फूलपुर में 2, माहुल में 18, कटघर लालगंज में 16, मेनगर में 11, जहानागंज में 24 और 28 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। साइंट इनिशियल स्कूल पूरा पांडे, निकट आरटीओ ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। आईसीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा, एडिशनल ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट आरटीओ ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। डेरिन सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन प्ले ग्रुप टू क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, एक्सपीरियंस टीचर्स, मॉनिटरिंग विद सीसीटीवी कैमरा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गिव योर चाइल्ड ए क्वालिटी एजुकेशन। डेलिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुँचिए वुडन टच भवरनाथ, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10। सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, वेल डिजाइन कंपोजिट साइंस लैब, फुली इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, फुली फर्निश्ड लाइब्रेरी, एज पर सीबीएसई स्टैंडर्ड्स, आउटडोर एंड इंडोर प्ले फैसिलिटी फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. Sarvodaya Public School near RTO office, Harbanshpur, Azamgarh, affiliated to CBSE. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus, yoga, art and craft, drawing, music, dance classes, separate composite laboratories, separate classes for girls, well-stocked library, hostel facility available, free health checkup in Sarvodaya Hospital, Vidyapeeth School Center, PW School, Integrated Center for IIT JEE NEET.
होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़, स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, आपकी खुशियों में लगाए चार चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।